आज हम बनाएंगे आलू की कचौड़ी, एकदम खस्ता करारी और ऐसी फूली फूली। और इसके साथ में उन पांच टिप्स पर भी डिस्कस करेंगे जिससे आपकी कचौड़ी हर बार ऐसी ही करारी बनेंगी। नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डो बनाएंगे। प्याले में 2 कप मैदा ले ली है, वजन में 250 ग्राम है। आधा छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार और आधा छोटी चम्मच अजवाइन। ये डालना ऑप्शनल है, लेकिन आप डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और इसे थोड़ा क्रश करके डालते हैं तो ज्यादा खुशबू आती है। और ये 1/4 कप ऑयल, 4 टेबल स्पून मोयन के लिए। इन सबको अच्छे तरीके से मिला लेते हैं। ये अच्छे से मिल गई सारी चीजें। और देखिए, इस तरीके से करें तो ये एकदम से बंध भी रहा है। मोयन एकदम परफेक्ट है, नाप कर लिया है। पहली टिप, मोयन नाप कर लें आटे के वजन का 1/4 भाग। जैसे हमने 250 ग्राम मैदा लिया है तो 60 ग्राम मोयन डाला है। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और एकदम सॉफ्ट आटा गूंद कर तैयार करेंगे। ये देखिए, एकदम सॉफ्ट डो है, चपाती के आटे से भी सॉफ्ट है। और इतना डो बनाने में 1/2 कप से थोड़ा सा ज्यादा पानी लगा है। दूसरी टिप, डो एकदम सॉफ्ट होना चाहिए, बिल्कुल ऐसा। इसे ढककर 20 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, ये सेट हो जाएगा। और तब तक कचौड़ी के लिए स्टफिंग बनाकर तैयार करेंगे। ये मीडियम साइज के 3 आलू बॉईल करके ले लिए हैं, इन्हें छील लेते हैं। आलू को मैश कर लेते हैं, एकदम बारीक मैश करना है। ये हो गए। अब आते हैं गैस के पास। ये 1 टेबल स्पून ऑयल, इसे गरम कर लेते हैं। 1 छोटी चम्मच ग्रेटेड अदरक, 2 हरे मिर्च बारीक कटे हुए, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर। फ्लेम को धीमा कर लेते हैं। 1/2 छोटी चम्मच जीरा पाउडर, हल्का सा भूनेंगे। और ये 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, इससे अच्छा कलर आएगा स्टफिंग में। वैसे तो हम आलू में मसाले मिलाकर भी स्टफिंग बना सकते हैं, लेकिन आलू मसालों को थोड़ा सा भून लिया जाए तो स्टफिंग का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। मसाले भून गए, अब इसमें डालते हैं ये मैश्ड आलू। अब इन मसालों को मिक्स करते हुए आलू को भूनेंगे। थोड़ा सा फ्लेम मीडियम कर देते हैं। हल्के से मिक्स हो गए। अभी थोड़े से मसाले इसमें और डालने हैं। 1/2 छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च। अगर आप कम तीखा खाते हैं तो मिर्च कम डालें, और अगर ज्यादा तीखा पसंद है थोड़ी सी मिर्च और डाल सकते हैं। थोड़ी सी तो कचौड़ी तीखी होनी ही चाहिए। 1/2 छोटी चम्मच गरम मसाला, 1/2 छोटी चम्मच अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर की जगह आप चाट मसाला डाल सकते हैं, और चाट मसाला डाल रहे हैं तो नमक थोड़ा सा कम डालिए, क्योंकि चाट मसाले में नमक होता है। अब आलू को अच्छे तरीके से भूनते हैं 2-3 मिनट, मिलाते जाएंगे भूनते जाएंगे। इसे 2 मिनट भून लिया, मसालों की अच्छी सी खुशबू निकलने लगी है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल के मिला देते हैं, इसे भी मिक्स कर देते हैं। तीसरी टिप, आलू को मसाले के साथ भूनना बहुत जरूरी है, जिससे आलू की नमी खत्म हो जाती है और कचौड़ियाँ जल्दी से सौगी नहीं होती। स्टफिंग तैयार हो गई। अब इसे किसी बर्तन में निकाल कर ठंडा होने देते हैं। और इस डो को रखे हुए भी 20 मिनट हो गए हैं, तो ये भी तैयार हो गया है। थोड़ा सा हाथ पर ऑयल ले लेते हैं और इसे थोड़ा सा मल लेते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं मलना है, बस हल्का सा, एक जैसा हो जाए। ये हो गया डो तैयार। तो अब इसकी लोइयां तोड़ते हैं। आटे को 2 भागों में तोड़ लिया, इसे उठाया और लंबाई में थोड़ा बढ़ा लिया। इसमें से मीडियम साइज की लोइयां तोड़ लेते हैं, क्योंकि हम मीडियम साइज की कचौड़ी बना रहे हैं। बाकी आप जिस साइज की कचौड़ी बनाना चाहें उस साइज की लोई तोड़ लीजिए। 1 आटे का टुकड़ा उठाएंगे और इसे अच्छे तरीके से पहले तो गोल कर लेंगे। ये हो गया। दबा कर किनारों से बढ़ाएंगे, किनारे पतले हो जाए लेकिन बीच में थोड़ा सा मोटा रहे,
और इसे एक प्याली जैसा शेप देंगे। इसमें डालेंगे एक छोटी चम्मच स्टफिंग। इसको थोड़ा सा दबा देंगे और अब इसे बंद करते हैं। देखिए चारों ओर से अच्छे तरीके से बंद करेंगे और ये थोड़ा सा हम इसमें से तोड़कर हटा लेंगे और इसे वापस दबा देंगे तो ये कचौरी भर गई। इसी तरीके से सारी कचौरियाँ भरकर तैयार कर लेते हैं। और चौथी टिप, स्टफिंग को आटे के अंदर अच्छी तरह से बंद कीजिए। आटे को थोड़ा सा खींचिए और तोड़ लीजिए जरा सा और दबा दीजिए। इससे आपकी कचौड़ी तलते समय खुलेंगी नहीं। ये जो टुकड़ा है दूसरी वाली कचौड़ी में मिला देंगे। इसे भी इस तरीके से पहले गोल करेंगे, पलट लेंगे और फिर किनारों को पतला करेंगे। ये प्याला बन गया। बीच में मोटी जरूर रहनी चाहिए। स्टफिंग रख दी और स्टफिंग को बंद कर दिया। अच्छे तरीके से बंद करना है। ये कचौरियाँ भरकर तैयार हो गई। तलते हैं इन्हें और डालते समय ये ध्यान रखें ऑयल ज़्यादा गर्म ना हो, एकदम हल्का गर्म हो। और बस इन्हें इस तरीके से दबाना है, एक जैसा करना है। देखिए ऑयल में बिल्कुल हल्के बबल आ रहे हैं, बस ऐसा ही चाहिए हमें। कचौरियाँ डालते समय एक बात और ध्यान रखनी है, जिस ओर हमने आटे को चिपकाया, स्टफिंग को बंद किया है, उसी ओर से आप इसे दबा रहे हैं। दबाकर बढ़ा लिया और इस साइड को नीचे करते हुए डालना है अब। और बस अब सिकने दीजिए 5 मिनट तक। और पांचवा टिप, जब आप कचौड़ी तलने के लिए डालें तब श्योर कर लें तेल कम गर्म हो। और डालने के बाद 5 मिनट तक कचौड़ियों को छूना नहीं है, वो धीरे धीरे अपने आप तैर कर आ जाएंगी। इसके बाद उन्हें पलटना है। और देखिए 5 मिनट पर कचौड़ियाँ फूल कर तैरने लगी हैं। थोड़ा धीमे सीख रही हैं, 5 मिनट हो गए ना सीखते सीखते। देखते हैं पीछे की ओर, थोड़ी सी हल्की सीखी है तो फ्लेम को थोड़ा सा तेज़ कर देते हैं। अभी एकदम धीमा रखा था, अब थोड़ा सा लो मीडियम कर देंगे और लो मीडियम फ्लेम पर ही इन्हें पलट पलट कर अच्छा गोल्डन होने तक तलेंगे। ये दोनों ओर से अच्छी ब्राउन सिक गई है, इन्हें निकाल लेते हैं। और बची हुई भी इसी तरीके से तल लेंगे। ये सारी कचौरियां हमने तल कर तैयार कर ली और एक घान को तलने में 14 से 15 मिनट लग जाते हैं। इतने डोसे 14 कचौड़ियाँ बनाकर तैयार की हैं। और ये स्टफिंग थोड़ी बच गई है, इसके आप पराठे बनाइए, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। आलू की खस्ता करारी फूली फूली कचौड़ियाँ बनकर तैयार हैं। इन्हें आप हरे धनिया की चटनी के साथ में परोसिए, सभी को बहुत पसंद आएंगी। और बनाने में आपको क्या ध्यान रखना है, वो 5 बातें। पहली बात, मोयन आटे के वजन का 1/4 भाग लें। दूसरा, डो सॉफ्ट बनाएं। और तीसरा, स्टफिंग को अच्छे तरीके से भूनें। चौथा, स्टफिंग को डो के अंदर अच्छी तरह से भरें, डो को थोड़ा खींचें और थोड़ा सा डो तोड़ लें। और पांचवी बात जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप जब कचौड़ियाँ तलने डालें तो श्योर कर लें तेल बहुत कम गर्म हो, बस हल्के से बबल निकल रहे हों उसमें से। और कचौड़ी डालने के बाद आप 5 मिनट तक उनको छुएं नहीं, जब तक कि वो तैर कर ऊपर नहीं आ जाते। इन 5 बातों का ध्यान रखेंगे तो हर बार आपकी कचौड़ियाँ ऐसी ही करारी करारी फूली फूली बनेंगी। तो आपने बनाइए, खाइए और अपने अनुभव ऐसा शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। और मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।